अभी आपको अनुभूति भी हुई कि विगते कुछ महीनों में पूरे देश में साइबर कार की बाढ़ सी आ गई है, हमारे जनपद में कुछ घटनाएं घटित हुई थी और इसी को लेकर के एसपी महोदय ने एक टीम गठन किया जिसमें हमारी साइबर सुरक्षा थाना कोतवाली की टीम थी और इसमें 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से 3ों से 2 व्यक्ति शुक्लागंज जनपद उन्नाव के हैं, 1 कानपुर नगर का है और 1 लड़का इसमें से जो साइबर क्रिमिनल है वो कानपुर नगर और शुक्लागंज कानपुर नगर का है। कुल मिला के हमारी टीम ने 3 लोग गिरफ्तार किया है और उसमें से 1 कानपुर नगर का और 2 शुक्लागंज का अधिकार है। वास्तव में यह गैंग जो है बहुत ही साधारण किस्म का गैंग है, ये पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं ऐसी घटनाओं में। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ये है कि ये सभी लोग किसी प्रकार से किसी बैंक का अकाउंट सीरीज प्राप्त कर लेते हैं और उसी अकाउंट सीरीज के नंबर को ट्राई करके किसी ढंग से टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं बैंक के और टोल फ्री नंबर को कॉल करके वहाँ से तमाम जो कस्टमर की और जानकारी उपलब्ध करा लेते हैं सभी लोगों और बाद में फिर वो कस्टमर के मोबाइल नंबर को भी अपने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे उसको ट्रांसफ़र करवा देते हैं और इसके पश्चात उस मोबाइल नंबर और आधार कार्ड और एटीएम नंबर के जरिए एक अच्छा सा युग्म बना करके सभी लोग जो कस्टमर के पैसे खाते पैसा होता है उसको अपने ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये आपने देखा कि बड़ा ऐसा गैंग है जो पढ़े लिखे गैंग है, इसमें मैक्सिमम लोग जो है बीएससी बीटेक किए हुए हैं और गैंग ऑपरेशन करवाते रहते हैं। सर ऐसे कितनी घटनाएं होंगी जिनको इन लोगों ने अंजाम दिया? अभी तो हमारे यहाँ 3 घटनाएं आज वर्कआउट हुई है। कोतवाली नगर की घटना हमारे यहाँ है, रामपुर कला की है और बाराबंकी की फतेहपुर थाना घटना है। मुकदमे लिखे हुए हैं, इसमें इनका उस वारंट बनवाया जा रहा है। इनके पास से चूंकि आपको मालूम है कि ये पैसे ट्रांसफर पैसे निकाल लेते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं, इनके पास से इनके द्वारा यूज की गई मोबाइल, इनका जो मोबाइल का सिम कार्ड है, उनका जो फर्जी ATM बनवा रखे हैं वो है, फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है और जिस फर्जी व्यक्ति के नाम पे इन लोगों ने जो मोबाइल नंबर किसी परचेज किया उसमें बरामद किए हुए हैं। ये बड़ा सात्विक गैंग है और आपको दिखेगा कि भविष्य में हमारे यहाँ बात नहीं सकते। सर जो लोग पकड़े गए इनसे अलावा भी कोई बैंक के लोग और काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं? इसमें हमने बताया आपको कि चूँकि ये है जो बैंक के अकाउंट की सीरीज है वो इन्हें कैसे मिलती है एक अच्छा प्रश्न है ये और इसको लेके हमारी सर्वलास की टीम लगी हुई है कि क्या कोई इसी बैंक का करके तो इसमें सम्मिलित नहीं है जो हमारे जनपद सीतापुर के कुछ बैंकों के अकाउंट सीरीज को इनको ट्रांसफर कर देता है।